अमेरिका से भूपेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं एक सेवों के बागान पर, और उसके पहले हम लोग ऑन द वे एंजॉय करते हैं नेचुरल ब्यूटी को और देखते हैं कि अमेरिका का जो रूरल एरिया है, जो गांव साइड है, वो किस तरह के नजर आते हैं, कैसे लगते हैं। समर के बाद अभी जो वक्त है वो फॉल का है, यानी कि जो हरे भरे पेड़ थे वो रंग बिरंगे होना शुरू हो गए हैं और इनके पत्ते गिरने का वक्त है, जिसको यहां पर फॉल कहा जाता है। इसके बाद विंटर शुरू हो रहा है और आने वाले 4-5 महीने बर्फबारी रहेगी और नॉर्थ अमेरिका के ये राज्य बर्फ से लवरेज रहेंगे। इस वक्त जो मौसम है बहुत ही खुशगवार है। उसकी वजह यह है कि ना तो सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है, और बहुत सारे त्योहारों की आमद होना बाकी है, इसलिए लोग बहुत ही फेस्टिव मूड में हैं। इसके अलावा एक मौसम और चल रहा है, वो है चुनावों का मौसम, जो 4 साल में एक बार आता है। लेकिन इंडिया की तरह यहां पर कोई चुनावी जुनून, पागलपन, उन्माद आपको सड़कों पर या सार्वजनिक स्थलों पर नजर नहीं आएगा। ना कोई बैनर है, पोस्टर है, होर्डिंग्स है, वॉल पेंटिंग है या लाउड स्पीकर्स यहां पर लगते हैं, जिससे पब्लिक आजिज आ जाए। बहुत ही संयमित वे में यहां पर चुनाव संपन्न होते और दो पार्टियों के उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन। उन दो में से पब्लिक को अपना कैंडिडेट इलेक्ट करना होता है। इसके अलावा स्टेट रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव भी प्रेसिडेंट इलेक्शन के साथ ही हो जाते हैं। मोस्टली अमेरिका में चुनाव जो होता है वो मीडिया बेस होता है। मीडिया पर लंबी लंबी बहसें होती है, डिबेट्स होती है, कैंडिडेट्स अपने अचीवमेंट्स को और आने वाले 4 साल और अपने मुस्तकबिल को वोटर्स के सामने रखते हैं, और जो एजुकेटेड वोटर्स हैं वो अपना जहन तैयार करता है कि वो किसको अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेगा। अब से कुछ देर बाद हम लोग पहुंचेंगे एप्पल आर्चिड सेवों के बागान पर, और ये जो रूरल साइड है वो कुछ इसी तरह की नजर आती है, पेड़ों से भरपूर, प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर, एकदम नीट एंड क्लीन और ज्यादा फ्रेश एयर। वैसे तो शहर भी बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन गांव साइड में और ज्यादा आपको बेहतर महसूस होता है, क्योंकि इतनी हरियाली, इतनी नेचुरल ब्यूटी होती है कि आपको बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि हम लोग गांव का एक कॉन्सेप्ट मानते हैं कि गांव मींस गंदगी, गांव मींस अव्यवस्था, भटकते हुए जानवर, लेकिन यहां ऐसी बात नहीं है। यहां गांव जो होते हैं वो हमारी सोच से डिफरेंट होते हैं, और मोस्टली यहां पर जो घर बनते हैं वो लकड़ियों के बनते हैं। लकड़ियों की भरमार तो यहां पर है, पेड़ आप देख ही रहे हैं, जितने पेड़ काटे जाते हैं उससे ज्यादा लगा दिए जाते हैं और उतने ही काटे जाते हैं जितनी आवश्यकता होती है। तो 80% घरों का जो निर्माण होता है वो वुड से होता है, सिर्फ नींव जो है वो कॉन्क्रीट की बनाई जाती है, और इसके बाद सारा कुछ वर्क जो होता है वो लकड़ियों का होता है, इसलिए आग लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है, और उससे बचाव के लिए फायर हाइड्रेंट जगह जगह लगाए जाते हैं। आने वाला है स्टॉप साइन, और यहाँ पर 2 सेकंड के लिए हम लोग रुकेंगे, दोनों तरफ देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ये ट्रैफिक नियम इतने अच्छे हैं
और सब इसका पालन करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट की जो रेट है वो बहुत कम होता है। यहां पर जो घर की कीमत है वो 2 लाख से लेकर 6 लाख डॉलर तक की है, और 1,500 स्क्वायर फीट से लेकर 3,000 स्क्वायर फीट तक के घर है, और मोस्टली घर जो वो है 1 एकड़ जो लॉट साइज से लेकर 2-2.5 एकड़ लॉट साइज के घर यहाँ पर मिलते हैं, और 5 लाख डॉलर में आप बहुत अच्छा घर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इनमें से कई घर तो 100 साल पुराने होते हैं, और कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता है, उनका रिनोवेशन चलता रहता है। जब इन घरों की हिस्ट्री आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि 100 साल पुराने घर, 150 साल पुराने घर आपको मिलेंगे। और मोस्टली घरों में बेसमेंट होता है, बेसमेंट के साथ गैराज होता है। ये बीच में आप शोल्डर लाइन देख रहे हैं, जो येलो लाइन, इसको सॉलिड लाइन कहते हैं, और इसका आप क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ नहीं जा सकते। यदि ये दो सॉलिड लाइन है, इट मींस कि आपको अपनी ही लाइन में रहना है। और साइड में जो वाइट लाइन है वो शोल्डर लाइन है, यानी कि इसको भी आप क्रॉस आपको नहीं करना है। हर जगह स्पीड लिमिट है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, ना तेज ना कम। कम चलाएंगे तब भी आपको टिकट मिलेगा, और तेज चलाएंगे तब भी मिलेगा। आप 5 माइल से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये सॉलिड लाइन जो बीच की है ये आप तभी क्रॉस कर सकते हैं जब ये ब्रेकिंग लाइन है। ब्रेक यदि है तो आप कर सकते हैं, या आपको दूसरी साइड में जाना है तब आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो ट्रैफिक नियम बड़े अच्छे हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं। पेड़ आप जो देखेंगे मोस्टली आपको स्ट्रेट नजर आएंगे, बहुत जंगली पेड़ आपको देखेंगे नहीं यहाँ पर, एकदम सीधे पेड़ नजर आते हैं, और इनको सीधा रखने के लिए बहुत जतन किए जाते हैं पेड़ों को, उनकी कटाई छटाई की जाती है, और कई बार तो उनमें रॉड्स लगाई जाती है ताकि पेड़ बिल्कुल सीधे रहें। फॉल का मौसम है इसलिए पतझड़ आपको दिखेगा हर जगह। तो देखिए गांव साइड के नज़ारे हैं अमेरिका में, और जो ब्लेज होते हैं अमेरिका में इसी तरह के होते हैं, आपको इसी तरह के नज़र आएंगे। बहुत जो हमारे यहाँ ब्लेज का कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ ऐसा नहीं दिखेगा। और एक ज़्यादा सुकून और प्रॉस्पेरस लाइफ मुझे लगती है गांव साइड में। ये जो सेव के बागान का वीडियो मैंने तैयार किया था, एक्चुअली मैंने कई विजिट में तैयार किया है, क्योंकि मोस्टली मुझे जाना रहता था एप्पल पिकिंग के लिए, और जब जब भी मैं जाता था वीडियो बनाता था, और इसीलिए आप थोड़ा डिफरेंट वीडियो शेड आप इस पर देखेंगे। एक ही दिन की रिकॉर्डिंग मेरी ये है नहीं। अब से कुछ देर बाद हम पहुंचने वाले हैं एप्पल ऑर्चर्ड, सेबों के बागान में,
और ये जो सेब का बागान है वो सिर्फ सेब का ही नहीं है, वहाँ पर और दूसरे फ्रूट्स भी वहाँ पर उगाए जाते हैं। अमेरिका के जो किसान होते हैं वो अपने प्रोड्यूस का, अपने उत्पादन का खुद मूल्य तय करते हैं। यहाँ पर मंडी जैसा कोई सिस्टम है नहीं कि आपसे सरकार आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी वो भी अपने दाम पर। यहाँ पर किसान खुद अपना दाम तय करते हैं अपने प्रोड्यूस का, और उनकी मर्जी जहाँ वो बेचे उसको, एज ए कंपनी के रूप में काम करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ के किसान भी अपना फार्मिंग करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अमेरिका के जो किसान हैं वो उनका क्या कार्यशैली होती है, किस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की पैकिंग करते हैं और फिर उनको कैसे बाज़ार में ले जाते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगला जो वीडियो है वो एप्पल आर्चर्ड के ऊपर है, सेबों के बागान के ऊपर, और किस तरह के बागान होते हैं ये भी हम देखेंगे। और ये सब वीडियो फुटेज जो अवेलेबल हो पाए हैं उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। वो यहाँ पर काम करती हैं पिछले 4 सालों से, उनसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये आ गया किसान का घर, उसका फार्म साइड, ये स्टोरेज है, और अगले वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे। तो आप बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।